हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी साइक्लो कन्वर्टर, उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर एक बेसिकली एसी टू एसी कन्वर्टर है, जिसके कन्वर्जन में हम किसी भी प्रकार का डीसी लिंक यूज नहीं करते, जिससे साइक्लो कन्वर्टर एक हाईली एफिशिएंट डिवाइस की तरह वर्क करता है। या हम कह सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी पावर को कन्वर्ट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी पावर में। तो इस तरह से ये एक फ्रीक्वेंसी चेंजर की तरह वर्क करता है। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देखें साइक्लो कन्वर्टर की, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है साइक्लो कन्वर्टर की। साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एसी वेवफॉर्म to another AC waveform of lower frequency without using a DC link in the conversion process, thus making it highly efficient. And the conversion is done by using power electronic switches like thyristor and switching them in a logical manner. इसका मतलब है कि साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट करता है एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी वाली एसी वेवफॉर्म को दूसरी एसी वेवफॉर्म में जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, बिना एसी लिंक का यूज किए हुए उसके कन्वर्जन प्रोसेस में, जिससे ये हाईली एफिशिएंट डिवाइस की तरह वर्क करता है। इसके कन्वर्जन के लिए हम बेसिकली कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का यूज करते हैं, जैसे कि थायरिस्टर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम दिया है। बीच में ये ब्लैक बॉक्स हमारा साइक्लो कन्वर्टर है, जिसका इनपुट हमारा फिक्स्ड वोल्टेज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी पावर होगी और आउटपुट हमें मिलेगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी पावर। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है साइक्लो कन्वर्टर की। अब अपन देखते हैं व्हाई डू वी नीड साइक्लो कन्वर्टर, हमें साइक्लो कन्वर्टर की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ जरूरत पड़ती है। साइक्लो कन्वर्टर का बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। साइक्लो कन्वर्टर का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है लार्ज मोटर्स को ड्राइव करने के लिए। ये लार्ज मोटर कहाँ यूज की जाती है, जैसे कि आपके रोलिंग मिल्स में, सीमेंट मिल्स में, वाटर पंप्स में, या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। वहां पे जब भी हमें स्पीड कंट्रोल करनी होती है मोटर की, या एसी टू एसी कन्वर्जन रिक्वायर्ड होता है, तो हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज, या लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है एसी सिग्नल के, तो हम साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज कर। साइक्लो कन्वर्टर की हेल्प से हम आउटपुट फ्रिक्वेंसी को एसी सिग्नल की रिड्यूस कर सकते हैं अप टू जीरो, जिसकी हेल्प से किसी भी मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है उसकी मिनिमम स्पीड में फुल लोड के साथ। इसी तरह साइक्लो कन्वर्टर की हेल्प से हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी मोटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं साइक्लो कन्वर्टर्स की। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर को दो तरह से क्लासीफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन है साइक्लो कन्वर्टर का बेस्ड ऑन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बेस में हमने साइक्लो कन्वर्टर को क्लासिफाई किया है, और दूसरा हमने क्लासिफाई किया है साइक्लो कन्वर्टर को उसके नंबर ऑफ फेस के टर्म्स में इन द इनपुट एसी साइकिल। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर बेस्ड ऑन देयर आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी के टर्म में साइक्लो कन्वर्टर को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है। पहला होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने साइक्लो कन्वर्टर को इनपुट एसी साइकिल के नंबर ऑफ फेस के टर्म्स में क्लासिफाई किया है। तीन तरह के साइक्लो कन्वर्टर होते हैं, सिंगल फेस टू सिंगल फेस साइक्लो कन्वर्टर, थ्री फेस टू सिंगल फेस साइक्लो कन्वर्टर, और थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो। अब अपन देखते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है,
इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर में हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिलती है इनपुट फ्रीक्वेंसी से, लेकिन इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर का हम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हमें फोर्स कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट है, जिससे ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है। दूसरा अपन देखते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, अगेन जैसा कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, स्टेप डाउन मीन्स जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी साइक्लो कन्वर्टर की वो लेस होगी देन द इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी सिग्नल। इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर का मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर के लिए। इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर में हम नेचुरल कम्यूटेशन का यूज करते हैं जो कंपैरेटिवली इजी है बिल्टअप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, जिससे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है और कॉस्ट भी कम रहती। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, तीन टाइप के होते हैं, सिंगल फेज टू सिंगल फेज, थ्री फेज टू सिंगल फेज एंड थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।